नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 दिसंबर 2022 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब हम हमारी पिछली वीडियो के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। हमारा प्रश्न था, एक जिला एक उत्पाद योजना में दमोह जिले के लिए किस उत्पाद को चुना गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चना के उत्पाद को। आप देख सकते हैं दमोह जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना में चना के उत्पाद को चुना गया है। वो चना दमोह जिले की मुख्य फसल है और यहाँ लगभग सभी ब्लॉक में इसे बोया जाता है। वो पूरे देश में दमोह जिले के चने एवं चने की दाल सप्लाई की जाती है। चने की उपलब्धता एवं दाल उत्पादनता की क्षमता के आधार पर एक जिला एक उत्पाद में दमोह जिले के लिए चने का चयन किया गया है। इसके अलावा दतिया जिले के लिए गुड़ का चयन भी एक जिला एक उत्पाद योजना में किया गया है, क्योंकि तो दतिया जिले में गन्ना की पैदावार काफी अच्छी है, इसीलिए यहाँ पर गन्ना उत्पादन होता है। और यहाँ का जो गन्ने से जो गुड़ बनाया जाता है, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। इस कारण से इसे दतिया जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल कर लिया गया है। हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हमारा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है। हमारे ऑप्शन है बांस, सागौन, साल या शीशम। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर करें, इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, जननायक क्रांति सूर्य टंट्या मामा का बलिदान दिवस कब मनाया जाएगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 4 दिसंबर 2022 को। आप देख सकते हैं जनसंपर्क विभाग का आर्टिकल भी है कि 4 दिवस को मनाया जाएगा जननायक क्रांति सूर्य टंट्या मामा का बलिदान दिवस। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में वितरित करेंगे टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के हित लाभ भी। 4 दिसंबर 2022 को जननायक क्रांति सूर्य टंट्या मामा का बलिदान दिवस मनाया जाएगा मध्य प्रदेश में, और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के लाभार्थियों को हित लाभ भी वितरित करेंगे। और इंदौर के पाताल पानी, भंवरकुआ और नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। के अलावा जो टंट्या भील हैं, इनका जन्म खंडवा जिले में 1842 में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 1989 में हुई थी। और इंदौर के महू तहसील में स्थित पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या मामा रेलवे स्टेशन भी रखा गया है। और टंट्या भील को भारत का रॉबिनहुड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेड़ा बांध किस जिले में बनाया जाएगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बैतूल में। देख सकते हैं कि बैतूल जिले में मेड़ा बांध बनेगा और डैम की ऊंचाई बढ़ाकर 1.80 मीटर भी की जाएगी। इसका निर्णय भी हाल ही में ही लिया गया है। इस निर्णय से गांव में अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था भी होने वाली है। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित मेड़ा बांध बनाया जाएगा और इसकी अब ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। और इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ेगी, तो 1.80 मीटर, यानी कि 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। और हाल ही में ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल जिले में 159 गांवों की घोघरी समूह जल परियोजना का भूमि पूजन भी किया है। इसके अलावा यहाँ पर 80 करोड़ रुपए की लागत से 132 केवी का एक बड़ा सब स्टेशन भी बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। देख सकते हैं कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में अग्रणी है मध्य प्रदेश। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत करीब 55 लाख ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। इसके अंतर्गत ये जो जल जीवन मिशन है, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में 7062 ग्रामों के हर परिवार को नल से जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा भी हाल ही में ही मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है, इसे हर घर नल जल का प्रमाण पत्र मिल चुका है। और 15 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। और मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत 10 फरवरी 2021 से इंदौर शहर से हुई थी। किसकी, जल जीवन मिशन की। यानी कि भारत में 15 अगस्त 2019 से, जबकि मध्य प्रदेश में 10 फरवरी 2021 से इसकी शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, 63वीं नेशनल राइफल चैंपियनशिप 10 मीटर एयर राइफल मिक्स इवेंट में
हर्षिता बिंजवा और श्रेय अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने जीता है रजत पदक। आप देख सकते हैं हमारे स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट का ट्वीट भी है कि केरल के तिरुवनंतपुरम में चल रहे 63वें नेशनल राइफल चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर मिक्स इवेंट में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेडमी की हर्षित बिंजवा और श्रेय अग्रवाल ने रजत पदक हासिल किया है। और मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित जो किशनघेड़ी में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेदमी है, इसमें भी 63वीं राष्ट्रीय पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और इस चैंपियनशिप में भी मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने टीम इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया था। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेदमी के बारे में भी जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेदमी की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी और इसका मुख्यालय गोरेगांव भोपाल में स्थित है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की खेल विभाग मंत्री कौन है? यह है श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया। और मध्य प्रदेश के प्रमुख शूटिंग खिलाड़ी कौन कौन से हैं? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, चिंकी यादव, राजकुमारी राठौर, अमित पिलानिया, मनीष कीर, नवदीप कौर, प्रीति रजक आदि मध्य प्रदेश के प्रमुख शूटिंग खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की टीम ने राष्ट्रीय सब जूनियर सॉफ्टबॉल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश को नेशनल सॉफ्टबॉल में स्पर्धा में रजत पदक हासिल हुआ है और इसमें मध्य प्रदेश को आंध्र प्रदेश ने हराया है, इस कारण से मध्य प्रदेश को इसमें रजत पदक हासिल हुआ जबकि आंध्र प्रदेश ने इसमें स्वर्ण पदक हासिल किया है। अब हम 2 दिसंबर 2022 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है, एग्री एक्सपो इंडिया 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भोपाल में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शूटिंग अकेडमी की हाई परफॉर्मेंस कोच सुश्री सुमा सिरूर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें सम्मानित किया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार से। मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन पर एयर कॉन्कोर्स बनेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल रेलवे स्टेशन से। राज्य सरकार ने पेंशनरों के 6वें वेतनमान में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 12% की। अगला प्रश्न है, पर्यटन और संस्कृति विभाग प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने किस शहर में वॉल आर्ट फेस्टिवल की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है भोपाल में। और मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग मंत्री कौन है? ये है सुश्री उषा ठाकुर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।